चलिए राइट, फील्ड इंटेंसिटी, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन थिन चार्ज शीट ऑफ इन्फाइनाइट एरिया of infinite area and uniform charge density, infinite area and uniform charge density, infinite area and uniform charge density. Thin sheet area finite नहीं, area is what? इनफाइनाइट, और ये थिन स्ट्रीट है, थिन स्ट्रीट में क्या होगा, बोथ द साइड्स आर चार्ज्ड, ठीक है, और अगर आपने थिक सरफेस लिया है देन ओनली वन सरफेस इज चार्ज्ड, एक साइड विजिबल है तो एक साइड को ही आप कंसिडर करेंगे, और थिन में जो है वो दोनों ही साइड को आपको चार्ज रखना है, ठीक है, बोथ द साइड्स आर चार्ज. सपोज वी कंसिडर अ पार्ट ऑफ शीट, ये शीट का एक पार्ट है, ठीक है, इस तरीके से शीट है, इसका एक पार्ट को हमने कंसिडर किया है, एंड एरिया इज व्हाट, इनफाइनाइट, एरिया इज इनफाइनाइट, सपोज द शीट इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली नेगेटिवली कैसा भी चार्ज ले सकते हैं, एंड सिग्मा इज, सिग्मा क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इज, इट इज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी. ये तो 3D व्यू लिया है हमने, सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज एक्स, इट इज वाई एंड इट इज व्हाट, जेड, कौन सा प्लेन है ये, इट इज वाई जेड प्लेन, तो दिस शीट इज इन वाई जेड प्लेन, राइट. वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी, इट इज एट अ डिस्टेंस, सपोज आर P पॉइंट पे हमें फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है. अच्छा, अगर आप इस शीट को 2D में विजुलाइज करें तो 2D में कैसे विजुलाइज होगा, ये तो 3D में जो है विजुलाइज किया है ना आपने, 2D में जो है अगर मैं इस शीट को इस तरीके से रखो तो ये एक लाइन ही विजिबल होगा, बट द बोथ साइड्स आर व्हाट, चार्ज. तो इन 2D केस द शीट इज लाइक दिस, ये विजिबल लाइन की तरह है, area is what, infinite, and both the sides are charged, charge density is sigma. So first step bataya tha, we have to draw a Gaussian surface passing through the point P. Gaussian surface mein ye dhyan rakhna hai ki agar ek plane hai to plane ka samne plane hi hona chahiye, to plane ke samne plane agar aap visualize karte hain to jo hai aapka jo Gaussian surface hoga jo 3D hoga, ये आपको लगेगा कि इट मस्ट बी व्हाट, अ क्यूबॉइड, ठीक है. प्लेन के लिए मैंने बोला एक 3D आप बनाओ तो जो है फर्स्ट जो है आपका ये आता है कि क्यूबॉइड होना चाहिए, क्यूब हो क्यूबॉइड हो. लेकिन सिलेंडर के भी तो दो प्लेन है ना, तो सिलेंडर का कोई एक प्लेन इस प्लेन का सामने आप रखें तो गॉसियन सर्फेस जो है पॉसिबल है. और अगर आपने क्यूब या क्यूबॉइड लिया तो सर्फेस कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 6 पार्ट्स में, ठीक है. मीन्स वन क्यूब और क्यूबॉइड इज कंटेन ऑफ 6 सर्फेसेस. EDA को आपने 6 पार्ट में डिवाइड करना है, लेकिन अगर आप सिलेंडर लेते हैं तो कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा, 1 कर्व्ड एंड 2 प्लेन, तो 3. तो कैलकुलेशन जो है लेंदी नहीं होगा, इसलिए जो है हम जनरली या बुक्स में जो है वो क्यूबॉइडल नहीं लेते हैं, क्यूबॉइडल की जगह वी टेक व्हाट, सिलेंड्रिकल सरफेस. तो वी ड्रॉ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू व्हाट,
Quantem Jee. It is a Gaussian cylinder passing through point P. The surface area is suppose A, so this area will be also what? A. Both the sides are charged. Both sides are charged na. So field intensity to right hai aur left bhi hai. So this Gaussian surface ko humne is tarike se liya. This area is also what? A. So this surface is what? A Gaussian surface. तो शीट के लिए आपने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया. नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट चार्ज इंक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस. तो गॉसियन सरफेस का तो सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो थिन शीट को क्रॉस कर रहा है ना, तो आपको चार्ज कौन सा लेना है? सिर्फ इस वाले पार्ट का. एक्सटर्नल चार्ज को आपको इंक्लूड नहीं करना है. तो चार्ज इंक्लोज्ड enclosed within the Gaussian surface, it is denoted by what? Q in. You have the formula sigma is equal to what? Q by A. So you may write Q is equal to what? So Q in is equal to what? Sigma A. Charge enclosed again. Now we may use Gauss theorem. First step, draw Gaussian surface passing through the point P where field intensity has to be determined. Second step, find the total charge enclosed within the Gaussian surface. External charge ko lena nahi hai. And third step, use Gauss theorem. So now we use Gauss theorem. So using Gauss theorem, we have integral EDA over the closed surface is equal to 1 by epsilon naught into what? Qn. बट दिस क्लोज सर्फेस, क्लोज सर्फेस के लिए इंटीग्रल साइन पे हम सर्कल यूज करते हैं. सर्कल का मतलब क्लोज हो गया. तो ये क्लोज सर्फेस कितने सर्फेस से बना है? थ्री. इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा? थ्री में डिवाइड करना होगा. तो वी कंसिडर ए स्मॉल सर्फेस हियर. दिस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. एरिया वेक्टर बताया था मैंने कल. Any line perpendicular surface directed towards what? Observer. Area is both scalar and vector. ठीक है, scalar भी है और vector भी है. तो इस board का अगर area चाहिए तो इसके लिए जो है area vector का direction क्या होगा? Perpendicular surface directed towards observer. हम सब observer है ना, ठीक है. बाहर वाले observer के लिए नहीं है, ये internal observer के लिए. लेकिन क्या हम cylinder के अंदर हैं? हम तो cylinder से बाहर ही है ना. तो area vector क्या होगा? Cylinder से बाहर की तरफ ही होगा. ठीक है, तो वन स्मॉल एरिया डी ए वन. कर्व सर्फेस पे एक एरिया हमने कंसिडर किया. दिस एरिया इज सपोज डी ए थ्री. और एक एरिया हमने इस साइड कंसिडर किया क्योंकि इस साइड भी फील्ड है. दिस एरिया वेक्टर इज व्हाट? डी ए. कंटेंट ऑफ थ्री सर्फेसेस, थ्री स्मॉल एरियाज हमने कंसिडर कर लिया. ये डी ए जो है ए डी ए, इसको तीन पार्ट में हमें डिवाइड करना होगा. अगर ये क्यूब वर्ड लेते आप तो कितने पार्ट में डिवाइड करना होता? सिक्स में, तो लेंदी हो जाता ना वो. इसलिए जो है हमने सिलेंडर ले लिया. और आप सिलेंडर से ही वर्क कीजिएगा. कई बुक्स में जो स्टैंडर्ड बुक्स में क्यूब वर्ड भी दे रखा है, बट आपका जो है जो रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक में उन्होंने सिलेंडर ही लिया है. तो वी हैव टू टेक सिलिंड्रिकल गॉसियन सर्फेस. नाउ वी कम टू द फील्ड इंटेंसिटी. लाइन्स ऑफ फोर्स में मैंने प्रॉपर्टी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस. तो ये तो थिन शीट है ना इस तरीके से. एंड फोर्स फील्ड क्या होगा? डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? डाइवर्जिंग, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है ना. फील्ड विल बी डाइवर्जिंग. तो जैसे ये वाला साइड पॉजिटिव है तो इसके लिए इस साइड फील्ड है, और इसके लिए इस साइड नेगेटिव साइड फील्ड होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस, फॉर द फर्स्ट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई थीटा वन इज इक्वल टू व्हाट? जीरो डिग्री. नाउ वी कम टू द सेकेंड सरफेस. अगेन द फील्ड इज डाइवर्जिंग. फॉर द सेकेंड सरफेस ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, थीटा टू इज व्हाट? जीरो डिग्री. नाउ वी कम टू द थर्ड सरफेस. सी
line of force diverging, it is electric field intensity E. E right side hai aur area vector kaun sa side hai? E positive x mein, area vector is in y coordinate. So angle kya ho gaya ye? 90. So theta 3 we have what? 90. So we have theta 3 is equal to 90 degree. Okay. Now we divide this result in three parts. ADA may be written as E dot DA1 for the first surface. अच्छा यहाँ circle use नहीं करना है कि तीन surfaces मिलके जो है हमारे पास एक closed surface है ना. अगर single surface को आपने close कर दिया तो single surface तो close है नहीं. तो ये तीनों combine करके ही हमारे पास एक closed surface है. E dot DA1 plus E dot DA2 for the second surface and then E dot DA3 for the third surface. That is equal to Q in. What is Q in? Sigma A divided by epsilon. Now see E dot DA1. It is E DA1 cos 0 degree. E or DA1 mein angle kya hai? Theta 0. For the second surface also EDA2 cos 0 degree second surface, and for the third surface it is EDA3 cos 90 degree. The result is what? Sigma A by epsilon naught. E is taken out. Integral DA1 cos 0 is 1. E DA2 plus 0 is equal to what? Sigma A by epsilon naught. Implies that what will be the integration of DA1? Integral DA1. Ye jo aapka cross section area kya consider kiya humne? A radius ne liya hai. Radius liya hota then it will be pi r square. Area to already le rakha hai na humne. It is A. Yahan bhi A hai aur yahan bhi kya hai? A. Uniform section ka cylinder hai ye. So it is E integral DA1 is what? A. And also integral DA2. इसका ये एरिया A है, ये वाला भी एरिया तो पूरा A ही है ना. इंटीग्रेट करेंगे छोटे वाले पार्ट को है तो टोटल एरिया आया ना. ये टोटल एरिया क्या हमने कंसीडर किया हुआ है? A EA plus EA. That is equal to what? Sigma A by epsilon naught. So what we get? 2 EA is equal to sigma A by epsilon naught. A तो हटा दिया. The result is what? E is equal to sigma by 2 epsilon naught. एक बात बताइए, ये distance पे depend कर रहा है क्या? हमने तो point P r distance पे consider किया था ना, लेकिन जो final result आया, it is independent of what? Distance. तो this result is independent of r. ये r का independent होगा. Charge density पे depend कर रहा है. अच्छा, अगर ये मीडियम में कोई फील्ड फाइंड करना हो, सपोज द शीट हैज बीन टेकन विद इन अ मीडियम, डायलेक्ट्रिक मीडियम लाइक वाटर के अंदर रख लिया, देन वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? फील्ड इंटेंसिटी. देन रिजल्ट विल बी व्हाट? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन के. बताया था ना मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? डिक्रीज हो सकता है. ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ हम चेक करें, we come to the electric field and position graph. Electric field is independent of what? Position. So graph will be what? The result is what? Sigma by 2 epsilon naught. Electric field and sigma graph. Sigma by 2 epsilon naught. Straight line passing through the origin. और ये दोनों ही फील्ड कहाँ है? स्पेस में है. अगर मीडियम में होता तो फील्ड का वैल्यू क्या होता? ड्रॉप कर जाता ना. ये ग्राफ नीचे की तरफ स्लोप कर, ये शिफ्ट कर जाता. और यहाँ भी जो है ग्राफ आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता? डिक्रीज कर जाता. जैसे ये स्पेस के लिए है, इट इज़ ई फॉरवर्ड स्पेस. और ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया, नीचे जो ग्राफ होगा किसके लिए होगा?
ई फॉर द मीडियम, यहाँ भी ई, इट इज ई फॉर वर्ड स्पेस, और अगर ग्राफ नीचे की तरफ है तो इट इज द फॉर मीडियम, ठीक है, चार्ज। अच्छा एरिया क्या है, एरिया इज इनफाइनाइट, यहाँ भी एरिया आपने इनफाइनाइट लिया है, फाइनाइट एरिया जो है वो गॉस थ्योरम से आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, फाइनाइट एरिया के लिए जो है हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो सपोज दिस वन इज अ थिक सरफेस ऑफ इनफाइनाइट एरिया, थिक सरफेस ऑफ इनफाइनाइट एरिया, ओनली वन सरफेस इज चार्ज्ड, वन साइड इज चार्ज्ड, सपोज चार्ज डेंसिटी इज व्हाट, सिग्मा हियर, वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी, इट इज एट अ डिस्टेंस व्हाट, आर, आर फ्रॉम द चार्ज सरफेस, अगेन वी हैव टू ड्रॉ व्हाट, अ गॉसियन सरफेस, बट ये गॉसियन सरफेस अपोजिट साइड नहीं जाएगा, सिलेंडर ही रहेगा, नाउ इट इज द गॉसियन सरफेस, दिस एरिया इज सपोज ए, दिस एरिया इज ऑल्सो व्हाट, ए, चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो वी हैव टू कंसिडर ओनली दिस चार्ज ना, तो व्हाट इज द चार्ज इन क्लोज्ड हियर, क्यू इन, दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए, और कितने सर्फेसिस में आप डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड तो जाना नहीं है, टू, तो वन सर्फेस इज एस एरिया वेक्टर डी ए वन, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस, पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट में है इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा वन इज इक्वल टू व्हाट, जीरो डिग्री। नाउ वी कम टू द कर्व सरफेस, स्मॉल पार्ट ऑफ द कर्व सरफेस, सपोज एरिया वेक्टर हियर इज व्हाट, डी ए टू, व्हाट अबाउट फील्ड, परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस, ई, एंगल बिटवीन ई एंड डी ए टू, थीटा टू इज 90। तो फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप ये वर्क कर लिया, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल प्लेन का सामने प्लेन, सेकेंड स्टेप चार्ज इनक्लोज्ड हमने कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा ए, नाउ वी मे यूज गॉस थ्योरम, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे गॉसियन सरफेस को, दो, पहले तीन में किया था ना, थर्ड साइड भी था, अब यहाँ दो में ही डिवाइड करना है, now using gauss theorem from gauss theorem e dot da is equal to what q in by epsilon naught do part mein humne break kiya it is what e dot da1 first surface e dot da2 Q in is what? आपका सिलेबस में जो है थिन चार्ज सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द थिन चार्ज शीट, और थिक चार्ज सरफेस भी हम करते हैं, तो एकेडमिक्स में जो है 99% प्रोबेबिलिटी है थिन पे ही जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है, 1% हो सकता है कि थिक पे पूछ दें, लेकिन अभी प्रीवियस ईयर आईआईटी में जो है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन एक आया था, और इसमें जो है शीट का नेचर वाज नॉट डिफाइंड, तो अगर थिन सरफेस हम ले रहे थे तो वन ऑप्शन वाज करेक्ट, और थिक सरफेस ले रहे थे तो जो है उसमें तीन ऑप्शंस करेक्ट आ रहे थे, तो सिलेबस में हमारा थिन चार्ज सरफेस है, तो उस क्वेश्चन पे जो है फिर चैलेंज भी हुआ, आईआईटी ने ही किया था कि जो है ये आपका क्वेश्चन में डिफाइन होना चाहिए कि इट इज थिन और थिक, तो उन्होंने कंसिडर थिन वाले को ही किया था, थिक वाले को नहीं किया था, मीन्स जिन बच्चों ने थिक चार्ज सरफेस को लेके सॉल्व किया था उनका आंसर जो है गलत हुआ, उस पर कोई बोनस नहीं मिला, जबकि डिफाइन होने से जो है आपका सही होता क्वेश्चन, बोनस मिलना चाहिए था, तो मीन्स जो थिन कंसिडर कर रहे हैं उनको भी आंसर उनका भी आंसर सही था, थिक वाले से भी आंसर सही आ रहा था। एक और क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था, तो इट वॉज बेस्ड ऑन ऑसिलेशन, उसमें एक ब्लॉक पे जो है चार्ज को प्लेस किया था
और ये डिफाइन नहीं किया था कि इट इज़ फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो ये अगर डिफाइन नहीं किया हो तो जो है फिर क्वेश्चन का आंसर जो है वो चेंज हो सकता है। उस वाले क्वेश्चन पे भी चैलेंज किया गया था, तो फिर उसको जो है उन्होंने जो है कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ पे थिक वाले को कंसिडर नहीं किया था आईआईटी ने, थिन वाले को कंसिडर किया था। तो ये आप मान के चलिए कि जो है अगर क्वेश्चन में थिन या थिक डिफाइंड नहीं हो, देन वी हैव टू टेक व्हाट द थिन सरफेस। थिक आप तभी कंसिडर करेंगे जब डिफाइन किया हुआ हो कि थिक सरफेस लेना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थीटा वन इज वर्ड जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रल डी ए वन कॉस जीरो डिग्री एंड प्लस ई डी ए टू कॉस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट वी गेट ई, व्हाट अबाउट इंटीग्रल डी ए वन एरिया ए, इट इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यू गेट द रिजल्ट ए इज इक्वल टू, ये भी तो डिपेंड नहीं कर रहा है डिस्टेंस पे, डिस्टेंस पे तभी डिपेंड नहीं करेगा व्हेन द एरिया इज व्हाट इनफाइनाइट, और अगर इनफाइनाइट एरिया नहीं हो, फाइनाइट एरिया हो, देन इट विल डिपेंड ऑन व्हाट, डिस्टेंस, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस जो डिफाइन होगा आपका जो सिलेबस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इट विल बी फॉर अ डिस्क नॉट प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है, या स्क्वायर प्लेट, इस पर कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन भी पॉसिबल है तो वो आपका सिलेबस से बाहर है, उसमें हमको मल्टीपल इंटीग्रेशन यूज़ करना होगा, सिंगल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। या अगर डायरेक्टली गॉस थ्योरम यूज़ हो सके, देन वी मे फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट ओनली फ्लक्स। तो फील्ड के लिए फाइनाइट प्लेट में जो है आपका लेवल में कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये डिस्क के लिए ही होगा, फाइनाइट एरिया डिस्क, ठीक है। वो रेक्टेंगुलर प्लेट और स्क्वायर प्लेट के लिए कभी क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर प्लेट पे तो इनफाइनाइट एरिया ही देंगे वो। ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ग्राफ कैसे चेंज होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, हियर रिजल्ट इज व्हाट एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट फॉर मीडियम के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, तो थिन और थिक दोनों समझ में आ गया। ये वाला ई डॉट डी ए वन, इट इज ई डी ए वन कॉस जीरो, ई हमने फाइंड करना है, इज टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल साइन डी ए वन कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो इज वन, तो व्हाट इज इंटीग्रल डी ए वन, दैट इज एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर, हाँ इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा ना हमें, तो यही एरिया को कंसिडर किया है हमने। और सेकेंड जो है डी ए टू कॉस 90, कॉस 90 इज वर्ड जीरो, तो जीरो हो गया वो, तो पार्ट को ही हटा दिया हमने। ये पार्ट में कोई कंफ्यूजन हो अभी पूछ लीजिए। नहीं, ओनली वन साइड इज विजिबल, जैसे इस वॉल को मैंने चार्ज कर दिया तो आप कौन सा चार्ज को देख पा रहे हैं, फील्ड जो है आप किसके लिए कंसिडर करेंगे, इस साइड के लिए ना, सेकेंड साइड तो हमारा विजिबल ही नहीं है, ठीक है। ये थिन शीट में क्या होता है, बोथ द साइड्स आर विजिबल, तो बोथ साइड्स आर चार्ज, लेकिन जब आप थिक सरफेस कंसिडर कर रहे हैं तो ओनली वन साइड इज विजिबल ना, तो आप सिर्फ वन साइड का चार्ज डेंसिटी को कंसिडर करेंगे, दूसरा साइड तो जो है आपका ऑब्जर्वेशन में ही नहीं है, है ना। हाँ ये वाला इनफाइनाइट एरिया, ये जो डेरिवेशंस है वो इनफाइनाइट एरिया के लिए ही है पॉसिबल, फाइनाइट एरिया के लिए पॉसिबल नहीं है। फाइनाइट एरिया में जो है द रिजल्ट विल डिपेंड ऑन आर, ये जो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ आर है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, ये इनफाइनाइट एरिया के लिए ही है। नहीं, फाइनाइट एरिया आपका सिलेबस में नहीं है, फाइनाइट एरिया का भी रिजल्ट आता है, लेकिन वही बताया ना कि सिर्फ डिस्क का रिजल्ट आपको जो है हम ये करेंगे, वो भी डिस्क का रिजल्ट जो है आपका जो है एकेडमिक्स का सिलेबस में नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, आया हुआ है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर और स्क्वायर प्लेट
और ट्रायंगुलर प्लेट कोई भी यूनिफॉर्म शेप का प्लेट हो और फाइनाइट एरिया का हो, ये आईआईटी में भी कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है। क्योंकि जो मैथमेटिक्स आप करते हैं ना, मैथमेटिक्स का सिलेबस है आपका सिर्फ क्या, लीनियर डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन में अगर आप जाते हैं तो इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का करना है, नॉट मोर देन वन वेरिएबल, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी ट्वेल्थ का सिलेबस में है, तो दैट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और सेमेस्टर्स में आप जाके स्टडी करेंगे, कैलकुलस है तो वो वेक्टर कैलकुलस विल बी वन पार्ट, और सेकंड जैसे अभी आप फंक्शन का जो है अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वेक्टर कैलकुलस नहीं किया करेंगे आप, तो वहाँ आएगा पार्शियल डिफरेंशियल होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा एंड मल्टीपल इंटीग्रेशन होगा, तो उन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे जो है मल्टीपल को जो है यूज़ करना होगा, वो आपका सिलेबस में नहीं, इसलिए कभी आईआईटी भी नहीं पूछने वाले हैं। ये वाला पार्ट भी एकेडमिक्स का सिलेबस में नहीं है, वो जनरली क्वेश्चन थिन चार्ज शीट पे ही पूछते हैं, वही आपका सिलेबस में एकेडमिक्स में। इसका एक पार्ट और जो है वो एकेडमिक्स में है, बिटवीन द चार्ज शीट्स वाला पार्ट करते हैं, फिर जो है क्वांटिटी पार्ट पे हम आ जाएंगे। मिटा दूं, ये तो सिंपल था। ये कर लिया? अच्छा ठीक है। बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन थिन चार्ज शीट्स, और यहाँ जो भी शीट्स हैं वो एक्स वाई प्लेन में हमने कंसीडर किए हैं, आर इन एक्स वाई प्लेन, ये आपका एकेडमिक्स में है, मिटा दो ये ना। बात नहीं, देखिए अब व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन चार्ज शीट, दिस वन इज फर्स्ट शीट, सपोज इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ध्यान रखना है, मीन जो साइन विल बी बेस्ड ऑन व्हाट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव वाई, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव वाई, और वेक्टर फॉर्म में अगर लें तो जे एंड माइनस जे रेस्पेक्टिवली, पॉजिटिव वाई तो पॉजिटिव जे, नेगेटिव वाई तो माइनस जे। सपोज द चार्ज डेंसिटी हियर इज सिग्मा वन, इसको समझ लीजिएगा, ये समझने में प्रॉब्लम होता है। And the second plate is suppose पॉजिटिवली ले या नेगेटिवली ले, मैं क्वेश्चन में दोनों ही लूँगा, पॉजिटिवली लेते हैं, ठीक है। फॉर द सेकेंड प्लेट सपोज चार्ज डेंसिटी इज व्हाट, सिग्मा टू, तो व्हाट विल बी द फील्ड इंटेंसिटी फॉर द फर्स्ट प्लेट, इवन मॉड सिग्मा वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ ध्यान रखना है, हमेशा चार्ज डेंसिटी को आप मॉडल्स में लेंगे, बच्चे गलती करते हैं, जैसे माइनस सिग्मा टू है तो माइनस सिग्मा टू ले लेते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडल्स फॉर्म में, यहाँ पे मैंने वेक्टर तो नहीं लिया है, मॉडल्स फॉर्म में ही लेना है, लास्ट में जो है हम फिर उसको वेक्टर फॉर्म में ले लेंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई टू, सिग्मा टू बाई, अगर माइनस सिग्मा टू भी होता तो सिग्मा टू हो जाता। नाउ वी हैव थ्री डिफरेंट पॉइंट्स, वन इज पी वन, द अदर वन इज पी टू, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, पी थ्री।
हमें फाइंड करना है फील्ड इंटेंसिटी एट P1, P2 एंड P3. तो वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P1, P2 एंड P3. यही है ना, डायरेक्शन सबको पता है. वी कम टू द P1. P1, एक बात बताइए, इसके लिए जो है फर्स्ट वाले के लिए लाइन ऑफ फोर्स डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, यहाँ P1 की तरफ नीचे की तरफ लेंगे या ऊपर की तरफ? नीचे, डाइवर्जिंग फील्ड है. इट इज E1, राइट. फॉर द सेकेंड सरफेस, इसका ऊपर है ना, पॉइंट पे चेक करना है, तो डाइवर्जिंग फील्ड कहाँ है? ऊपर. E2, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? डिस्टेंस. P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2? जो पॉजिटिव डायरेक्शन में, वी हैव टू टेक पॉजिटिव, और जो नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव. ऊपर वाले को हमने क्या लिया है? पॉजिटिव. और नीचे वाला क्या है? नेगेटिव. इट इज E2 माइनस E1. दोनों को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज करना है. सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाता है. अब इस साइन आपको ध्यान रखना है, इट विल बी E2 माइनस E1. तो यहाँ पे EP1 का वैल्यू क्या हो गया? इट इज E2 माइनस E1, राइट. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2? EP2 इज इक्वल टू E2 सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. यही है ना, तो रिजल्ट वी गेट व्हाट? सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. और मान लीजिए कि अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हो जाए, दोनों प्लेट्स का चार्ज डेंसिटी इक्वल हो, तो इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, दैट इज इक्वल टू सिग्मा, देन द वैल्यू ऑफ EP1, सॉरी इट इज EP1, द वैल्यू ऑफ EP1 विल बी इक्वल टू व्हाट? समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट? नाउ वी मूव टू द सेकेंड पार्ट. ये समझ लीजिए, वो आपका समझ में, डायरेक्शन बेस्ड है. ऊपर है तो पॉजिटिव लेना है, नीचे है तो नेगेटिव लेना है. P2 और नियरेस्ट फील्ड का डायरेक्शन लेना है, तो P2 फर्स्ट प्लेट. फर्स्ट प्लेट का फील्ड ऊपर होगा या नीचे? ऊपर. इट इज व्हाट? E1, राइट. और सेकेंड प्लेट ये है ना, इसके लिए भी फील्ड क्या है? नियरेस्ट. इसका नियरेस्ट ये वाला है या नीचे वाला है? ऊपर वाला है ना, तो ऊपर वाला चार्ज क्या है? पॉजिटिव. तो लाइन ऑफ फोर्स क्या है? डाइवर्जिंग. तो E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? E2. जब दोनों एक डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. EP2 वी हैव व्हाट? E1 प्लस E2. तो व्हाट वी गेट? EP2. वैल्यूज पुट कर दीजिए, डायरेक्टली लिख दूं मैं. इट इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई, और इसी में अगर दोनों इक्वल हो जाए तो तो वी गेट EP2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई, ठीक है. नाउ वी मूव टूवर्ड P3. P3 का नियरेस्ट देखिए, E2. E2 नीचे है, इसके लिए 2. इट इज व्हाट? E2. व्हाट अबाउट E1? इस पॉइंट के लिए आप लोअर सरफेस लेंगे या अपर सरफेस लेंगे? लोअर. नियरेस्ट तो लोअर सरफेस है, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या है? लोअर प्लेट से नीचे की तरफ डाइवर्जिंग फील्ड. इट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? E1. तो ये दोनों फील्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो गए? ऐड हो गए. तो यहाँ पे जो है, ये आपका क्या हो जाएगा? EP3 E1 प्लस E2. कौन से डायरेक्शन में है ये?
और यहाँ जो ई वन प्लस सी टू था ये कौन से डायरेक्शन में था? पॉजिटिव डायरेक्शन में था. तो वैल्यूज पुट किया तो वी गेट व्हाट? ई पी थ्री इज इक्वल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट. ये रिजल्ट आया ना. और इसमें भी अगर सिग्मा वन एंड सिग्मा टू दोनों इक्वल हो जाए तो रिजल्ट विल बी व्हाट? सिग्मा बाई एप्सिलॉन. तो ये दो चार्ज प्लेट्स, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स के लिए था. तो ये वर्क जो है हम दो तीन चार पाँच कितने भी प्लेट्स के लिए कर सकते हैं. ठीक है, आईआईटी में जो है एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इट वाज बेस्ड ऑन थ्री प्लेट्स, चार्ज डेंसिटीज जो है गिवन थे. तो सिमिलर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. ये दो प्लेट्स वाला समझ में आ गया. अब एक पॉजिटिव लेंगे और दूसरा नेगेटिव लेंगे. नोट कर लीजिए इसको. सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू मीन्स वन वन प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, अदर इज व्हाट? नेगेटिवली चार्ज. वहाँ तो मैंने मॉडुलस फॉर्म में किया है, यहाँ हम वर्क वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं. सपोज दिस वन इज पॉजिटिव एक्स, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव एक्स. एंड दिस कोऑर्डिनेट इज व्हाट? पॉजिटिव वाई. वी हैव टू गेट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट्स P1, P2 एंड P3. ये वाला क्वेश्चन आपका NCERT में दिया हुआ है, बट वहाँ चार्ज डेंसिटीज जो है इक्वल दे रखे हैं और यहाँ पे मैंने चार्ज डेंसिटी को डिफरेंट लिया हुआ है. बाद में चार्ज डेंसिटी को हम इक्वल कर लेंगे. तो इसके लिए फील्ड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है तो फील्ड विल बी डाइवर्जिंग. इट इज E1 एंड इट इज व्हाट? E1. ये नेगेटिवली चार्ज है, फील्ड का लाइन क्या होगा? कन्वर्जिंग. कन्वर्जिंग टूवर्ड्स द प्लेट. इट इज E2 एंड इट इज व्हाट? E2. हियर वी हैव टू गेट EP1 वेक्टर, हियर वी हैव टू गेट EP2 वेक्टर एंड हियर वी हैव टू गेट व्हाट? मीन्स यहाँ जो रिजल्ट है E1 E2 कौन से कोऑर्डिनेट में? एक्स में. तो आई कैप यूज कर रहे होंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन आई कैप, नेगेटिव डायरेक्शन माइनस आई कैप. वाई कोऑर्डिनेट में है नहीं, पुराने पहले वाले क्वेश्चन में जो है वाई कोऑर्डिनेट में लिया था हमने. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? व्हाट इज मॉड E1? सिग्मा वन बाई. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2? मॉड. वो तो सिग्मा टू माइनस सिग्मा टू का मॉड लिया तो इट बिकम्स व्हाट? सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट. अब डायरेक्शन आपको अकॉर्डिंगली लेना है, पॉजिटिव में तो आई कैप और नेगेटिव में तो माइनस आई कैप. वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, सॉरी इट इज P2, इट इज P1 एंड इट इज व्हाट? P3. वी हैव टू गेट फील्ड इंटेंसिटी एट P1. EP1 वेक्टर इज इक्वल टू E1. पॉजिटिव और नेगेटिव? E1. E1 इज पॉजिटिव. And what about E2? E2, it is also positive. E1, E2, इस बीच में जो है आपका बिटवीन द प्लेट्स क्या है? दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, और दोनों का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट. तो ऑल्सो इट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? E2. तो आप क्या लिखेंगे? E1 आई कैप प्लस E2 आई कैप, दोनों ऐड होगा. क्या IIT में जो तीन प्लेट पे क्वेश्चन आया था ना, वो आपका वेक्टर बेस्ड था, नॉट ए स्केलर बेस्ड. तो वेक्टर को आप लास्टली जो है मॉड में कन्वर्ट कर लेंगे, स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. अगर क्वेश्चन जैसा हो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना है, पहले वेक्टर पे ही करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 इज व्हाट? सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप. और अगर सिग्मा वन सिग्मा टू इक्वल हो जाए तो वी गेट EP1 वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EP1? दैट इज व्हाट? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ये NCERT का क्वेश्चन है कि प्लेट्स जब आपके इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज हैं, देन बिटवीन द प्लेट्स फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट.
कैपेसिटर एकेडमिक्स में हुआ है, तो जिनका कैपेसिटर हुआ होगा तो कैपेसिटेंस का डेरिवेशन में जो है दे यूज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यही लेते हैं वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यों लेते हैं ये डिराइव हो गया हमारा, ठीक है। नाउ वी कम टू EP2, नियरेस्ट फील्ड वी हैव टू टेक P2, फर्स्ट का फील्ड लेफ्ट राइट, ये फर्स्ट है ना, P2 पे लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, तो इट इज इवन, इट इज अलोंग नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट। व्हाट अबाउट E2, नियरेस्ट E2 वी हैव टू टेक, नियरेस्ट E2 में ये वाला लेना है ये वाला नहीं लेना है, तो ये E2 पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव, तो E2 इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। देन व्हाट अबाउट EP2, E2 आई कैप माइनस E1, व्हाट वी गेट E2 माइनस E1, अब E1 एंड E2 का जो वैल्यूज है वो पुट करते हैं, तो व्हाट वी गेट σ2 माइनस σ1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, और इसी में अगर σ1 और σ2 को इक्वल कर दिया तो रिजल्ट वी गेट व्हाट, इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बिटवीन द प्लेट्स तो फील्ड होता है, आउटसाइड द प्लेट्स फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। तो एकेडमिक्स में तो जो है प्लेट्स पे ही क्वेश्चन दिया हुआ है σ1 σ2, पहला पार्ट है फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड द प्लेट्स पूछा है तो लेफ्ट साइड क्या आया है, जीरो, राइट साइड भी चेक कर लेते हैं। P3 नियरेस्ट E2 नेगेटिव पॉजिटिव, लेफ्ट साइड, हाँ नेगेटिव, इट इज द डायरेक्शन ऑफ E2। व्हाट अबाउट E1, नियरेस्ट E1 ये है ना, कौन से डायरेक्शन में है ये, पॉजिटिव, पॉजिटिव, रिजल्ट विल बी व्हाट, E1 माइनस E2। EP3 इज इक्वल टू E1 आई कैप माइनस E2 आई कैप, व्हाट वी गेट σ1 माइनस σ2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, और अगर इसका मॉडुलस वैल्यू लें, इफ σ1 इज इक्वल टू σ2 इज इक्वल टू सिग्मा, देन द वैल्यू ऑफ EP3 इज व्हाट, ठीक है, तो डिराइव हो गया। ये दो प्लेट्स पे हमने वर्क किया, साइमल्टेनियसली हम 3 प्लेट्स पे वर्क करते हैं, ये मिटा दो, मैं बस पूछता जाऊंगा आप डायरेक्शन बताते जाइएगा, है ना। नाउ वी हैव 3 प्लेट्स, 1 प्लेट है चार्ज डेंसिटी सिग्मा, अदर हैज माइनस 2 सिग्मा, मीन सेकेंड वन इज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज, एंड द थर्ड वन इज 3 सिग्मा पॉजिटिवली चार्ज, इट इज इवन, फील्ड इज व्हाट, डाइवर्जिंग, इट इज E2, इट इज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज, फील्ड विल बी कन्वर्जिंग, इट इज E2, व्हाट अबाउट E3, डाइवर्जिंग, E3 एंड E3। नाउ वी हैव सम पॉइंट्स P1, P2, P3 एंड P4। ये सिमिलर क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, बट इट वॉज डायरेक्शन बेस्ड, तो डायरेक्शन बेस्ड तो मैंने क्वेश्चन करवा लिया, IJEE के जो भी हो अकॉर्डिंगली जो है आप वर्क कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें मॉडुलस पे वर्क करना है। सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, सिग्मा बाई, यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिया है स्केलर फॉर्म में, इट इज स्केलर फॉर्म। व्हाट अबाउट E2, इट इज 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फाइनली वी गेट व्हाट। व्हाट अबाउट E3, 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मॉडुलस वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी हैव टू गेट फील्ड इंटेंसिटीज एट द डिफरेंट पॉइंट्स P1, P2, P3 एंड लास्टली व्हाट, P4। P1,
एपी वन, ई वन पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव माइनस ई वन. व्हाट अबाउट ई टू, पी वन पे वी हैव टू चेक द नियरेस्ट ई टू, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस ई टू. व्हाट अबाउट ई थ्री, नियरेस्ट ई थ्री, नेगेटिव साइड माइनस व्हाट, जस्ट वी हैव टू पुट व्हाट द वैल्यूज ऑफ द फील्ड्स, विल गेट द वैल्यू ऑफ फील्ड इंटेंसिटी एट पी वन. राइट, नाउ वी कम टू पी टू. सपोज फील्ड इंटेंसिटी एट पी टू इज ई पी टू, हाँ ई वन पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव ई वन. व्हाट अबाउट नियरेस्ट ई टू, पॉजिटिव ई टू. नियरेस्ट ई थ्री नेगेटिव साइड, इट इज व्हाट माइनस, वैल्यूज पुट करना है आंसर आ जाएगा. नाउ वी मूव टू पी थ्री, ई पी थ्री नियरेस्ट ई वन, पी थ्री नियरेस्ट ई वन इज दिस पॉजिटिव, ई वन पॉजिटिव. व्हाट अबाउट ई टू, ई टू माइनस ई टू. व्हाट अबाउट ई थ्री, माइनस ई थ्री. वैल्यूज पुट करना है. कम टू पी फोर, ई पी फोर ई वन, ई वन नियरेस्ट ई वन पॉजिटिव, नियरेस्ट ई टू नेगेटिव, इट इज नियरेस्ट ई टू नेगेटिव. व्हाट अबाउट ई थ्री, अब कितने भी प्लेट्स हो सॉल्यूशन आएगा, फोर फाइव टेन कितने भी दे दूं, आपको जस्ट क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है. अच्छा, अगर वेक्टर फॉर्म में वैल्यू फाइंड करना है तो अगर नेट रिजल्ट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव आई कैप ये वाला, अगर आई एक्स एक्स कोऑर्डिनेट लिया है हमने, और अगर नेट रिजल्ट नेगेटिव आ जाए तो माइनस आई कैप. ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो है चार्ज डेंसिटीज जो है इक्वल हो जाए तो रिजल्ट हमारा सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री में भी होगा. आप वैल्यूज पुट करेंगे जो फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा. ठीक है ना, तो ये नंबर ऑफ प्लेट्स पे भी जो है फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के लिए है और वो थ्री प्लेट्स के लिए है. ठीक है, ये नोट कर लीजिए. अच्छा, एकेडमिक्स में तो दो प्लेट्स पे क्वेश्चंस पूछते हैं. सानिध्य अभी नीचे बैठ जाइए, फिर जो है जब क्लास होगा ना तब फिर ऊपर बैठा दूंगा. ठीक है, ये ख़त्म ही होने वाला है बस. यू हैव टू इनफाइनाइट प्लेट्स, चार्ज डेंसिटी एड इज सिग्मा वन. सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एक्स एंड दिस वन इज व्हाट, पॉजिटिव वाई. इनफाइनाइट शीट है और दूसरा शीट ये है इनफाइनाइट. ये चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा टू नेगेटिव एंड इट इज व्हाट, पॉजिटिव. वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी. पी पी चाहिए हमें फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, अब तो ये प्लेट्स क्या है, परपेंडिकुलर है ना. तो फॉर द फर्स्ट प्लेट फील्ड लाइन विल बी डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग. तो इसके लिए फील्ड लाइन क्या है, डाइवर्जिंग है. इट इज व्हाट, इवन. इवन का वैल्यू आप क्या लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट. आई कैप और जे कैप, पॉजिटिव आई कोऑर्डिनेट, जे कैप. नाउ से दिस प्लेट इज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज. फील्ड का डायरेक्शन कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग टूवर्ड्स द प्लेट. तो इट इज व्हाट, तो व्हाट इज द वेक्टर वैल्यू ऑफ ई टू, सिग्मा टू बाई माइनस आई कैप. अब ये दो फील्ड्स आ गए ना, जनरली हम पैरेलल प्लेट्स पे वर्क करते हैं. ये परपेंडिकुलर प्लेट्स भी हो सकता है, इनफाइनाइट इंक्लाइंड प्लेट्स भी हो सकते हैं. तो वी विल हैव टू यूज व्हाट, द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को यूज करना है. पैरेललोग्राम करें या जो भी यूज करें, यहाँ थ्री प्लेट्स होगा, फोर प्लेट्स होगा, किसी पे भी वर्क किया जा सकता है. नाउ से व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, पी इट इज ईवन प्लस ई टू. वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वी हैव टू यूज, ईवन इज व्हाट, सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज माइनस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप. देन व्हाट इज द मॉडुलस वैल्यू,
इट इज सिग्मा वन बाई सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. ठीक है, समझ में आ गया. अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, वो ट्राई करके आ जाइएगा. सिग्मा टू सिग्मा यह चार्ज डेंसिटी इज माइनस थ्री सिग्मा. We have to get electric field intensity at this point P. P पे find करना है P1 and P2. You have to get the value of EP1 and EP2. Sigma, 2 sigma and minus 3 sigma. ये दिया हुआ है और यहाँ जो है लेकिन एक में dielectric medium है. This region is filled with the dielectric medium. Of dielectric constant what? K. Dielectric constant. जो medium में है वहाँ medium वाला और जो space में है space वाला. कितने fields होंगे P1 और P2 पे? तीन. AP1, E1, A2 and E3. डायरेक्शन बेस्ड आपको वर्क करना है. मीडियम के लिए वी हैव टू यूज व्हाट? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन के. और जहां जो है आपका स्पेस है तो P2 इज P1 स्पेस का मीडियम में और P2 क्या है? स्पेस में. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है.